कबड्डी 2018 सीजन 6 का सातवां मैच मुंबई और जयपुर पिंक पैंथर के बीच खेला जाना है। आज मैं इस मैच का प्रीव्यू करने जा रहा हूं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आए तो आपको भी मैसेज मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर बात करें दोनों टीमों के हेड टू हेड मैच की, तो दोनों टीमें अभी तक 12 बार आपस में भिड़ी हैं, जिसमें से 6 मैच मुंबई ने जीते हैं और जयपुर ने 5 मैच जीते हैं और एक मैच दोनों टीमों में टाई रहा है। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इन दोनों टीमों की स्टार्टिंग सेवन की बात करते हैं। जयपुर की तरफ से सेंटर में दीपक निवास हुडा खेलते हुए नजर आएंगे और वहीं पर दोनों कवर की बात करें तो राइट कवर पर बाजी राव और लेफ्ट कवर पर दोनों नितिन रावल एक दूसरे का साथ निभाते हुए नजर आएंगे, जो कि बहुत स्ट्रांग है। अगर दोनों टीम की बात करें तो दोनों टीम में एक तरफ तो अनूप कुमार और सेलवानी दूसरी तरफ डिफेंस करते हुए नजर आ सकते हैं। इस टीम के कवर बहुत मजबूत है और कवर में एक तरफ तो संदीप धूल और दूसरी तरफ मोहित चिल्लर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर बात करें यू मुंबा की, तो इनकी तरफ से सेम टीम खेलती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ये टीम बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। अगर बात करें दोनों टीम्स की वीकनेस और ताकत के बारे में, तो यू मुंबई के रेडर इतने अच्छे नहीं हैं और वहीं पर जयपुर का डिफेंस और रेडर दोनों ही अच्छे नजर आ रहे हैं। अगर बात करें तो दोनों टीमों में से ज्यादा टीम स्ट्रॉन्ग कौन सी है, तो दोनों टीम बराबर दिख रही हैं। तो चलिए अब प्रेडिक्शन की बारी है, देखते हैं कौन सी टीम जीतेगी। मेरा प्रेडिक्शन माना जाए तो इस मैच में भी जयपुर के जीतने के ज्यादा चांस है, क्योंकि ये टीम बढ़िया लग रही है। तो आप बताइए कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जल्दी से जल्दी बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।